जी के परम मित्र हैं, आप लोग जान सकते हैं। कब से जिया जी बचपन से मित्र हैं? कब के? अरे जब हम लोग कॉलेज में स्कूल पढ़ते तभी से। कॉलेज भी पढ़े हैं क्या? आ, क्या बात, पढ़ते गए हम लोग इमली। तो गाइस फ्रैक्चर भी हो गया था। क्या फ्रैक्चर हो गया था? बहुत लंबा स्टाइल है, बहुत लंबा स्टाइल है। दोस्त नहीं, वो तो बाहर गया हुआ घूमने, वो आया नहीं है। चलिए चलिए चल, चलो खाना खा लेते हैं। तो भाई मैंने ब्लेजर वगैरह निकाल दिया है और देख रहे हैं यहाँ पे दीदी काम कर रही हैं। दीदी बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये नारायण घर में तो कोई काम नहीं हो सकता है। बाकी इधर सानिया देख सकते हैं आप लोग, हमारी भांजी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देते हुए। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? इधर बनाती भी आ गई है और जीजा जी का तो बात धो ले भाई, लाजवाब है। देख सकते हैं कितना हैंडसम लग रहे हैं। कभी कभी देखने को मिलता है जीजा जी का चेहरा, हवा तो आ मिल असली चीज तो नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल पक्का। बिना बुलाए हम नहीं आएंगे, पर बिना बुलाए हम बुलाएंगे भी, हम नहीं बुलाएंगे। हमें बड़ा अजीब लगा था, हम जो शादी में पहुंचे नहीं पाए, मगर तुम्हारे शादी में हम अरे जाबे तो शादी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी शादी में आएंगे, बहुत एंजॉय होगा, पार्टी होगी धमाकेदार, क्योंकि हमारी शादी के इंतजार बहुत लोगों का फैमिली, क्या बताएं, हमारी फैमिली सब शादी के इंतजार ना, हमारे शादी का इंतजार किस किस को है आप लोग को नहीं बता सकते हैं। जीजा जी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारी शादी का इंतजार सबको है। तो हमारी सब शादी होगी तो आप लोग देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब शादी होगी भी नहीं होगी पता नहीं। गाइस क्या मेरे अंदर कमी दिख रही है क्या? आप लोग बताइएगा कि मैं क्या पागल दिख रहा हूँ या फिर आप तो कैमरों के सामने फेस कर रहे हो। डीजे बुकिंग चला ऊपर ना, और दीदी इसी बीच पापड़ लेके आ गई हैं। और जब बन्ना जी खाना खा चुकी हैं उसके बाद दीदी देखी कहाँ करोगे मेरी शादी में? शादी में हम ड्राफ्ट बनाएंगे अकेले। अकेले तो क्या हम क्या करेंगे फिर? इतना सारा प्यारा गिफ्ट मुझे मिला मेरे मायके वाले। देखिए मेरे मायके में मतलब मेरे मायके में मतलब कि माँ बाप के मतलब कि सब कुछ है, बस एक क्या होता है घर होता है वो चीज़ नहीं। भगवान की देन से आप लोग कृपा करें कि हमारे भाई तरक्की में जाए और उन लोग को बहुत जल्द अपना घर हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी मायके में ज्वाइन करने लगे हैं। लेकिन हमारे मायके वाले की दिल इतना बड़ा है, हमारी एक बहन को दिए थे उससे भारी हमको दिए, कितनी भारी दिए। थैंक यू सो मच मम्मी पापा ऑल फैमिली। जानते कमेंट आ रहा था कि आप किट्टो को गोल्ड दिए तो बन्ना जी को डायमंड दो, तो हमने गाय सोचा चलो हम डायमंड देते गाय, जैसे डायमंड है ये देख सकते हो, डायमंड ये गोल्ड के साथ डायमंड जुड़ा हुआ है। और जीजा जी कितना हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, जीजा काम कर रहा है, साला खड़ा है। तो क्या हुआ, खड़े हैं तो क्या हुआ, ले लेते हैं कोई बात नहीं। तो बन्ना जी हमारा गिफ्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हम तो बाबा देख रहे हैं कि जैकपॉट हिला है, तो मैं चेक कर रही हूँ हाथ में हिला है क्या मेरा, इसमें आ रहा है। अच्छा तो जिसमें आया उसमें पहनो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सोने का दिया कि हीरे का दिया, इसका कोई अनमोल नहीं है। नहीं हमको अनमोल है जी, क्यों देखिए गिफ्ट अमूल होता ही है, और हम सबसे बड़ा अमूल होता है कि परिवार में जो खुशी आ जाए, और हम तो है ही। खाना खाने के बाद बन्ना दीदी ऐसा क्या बात बोली होती हो गई, फूट फूट कर रोने लगे। अनु भाई देखिए यहाँ पे हाथ धो रहे हैं। और दीदी बहुत मेहनत करती है। आजकल माजा वाले कोई बड़ा मनाई हो गया है, पैसों दे ना इसमें। होटल में एक ही दिन फंक्शन होता है ना, छोटा मोटा फंक्शन तो घर में होता है ना। लेकिन हमारी चौधरी तो बहुत सही है,
अरे वहां तो एक से खोजे चार तक मिला खड़ा रहा से यहां से पार एक बगल सब बिजी है गोला करे तो गोला करे कुल भाव खाए लगा मैं सोचा था कि अब आवे उनका पटियाला आएगा दादा मत सोचे शहर समझे शहर से सहारा हो गया था सबकी अब सहारा आगे से जा सहारा में तो धमक कई गई नहीं और बड़ी कर गया था लेकिन ऐसा शहर होने से क्या फायदा है जहाँ कोई मारने वाली और कोई बटोरने वाली कोई खेलने वाली ना हो ये भी सोचा करो ना देखिए ऐसा होना चाहिए भाई और ऐसा होना चाहिए जीजा जो घर की साफ सफाई करते नजर आए ये बात सही है कि घर के लिए सच चीज करना पड़ता है और गाय जा रही है कि जीजा क्यों झाड़ू मार रहे हैं क्योंकि देखिए साफ सफाई बहुत जरूरी है सही बात है सही बात है आप लोग देख सकते हैं अम्मी जी कितना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे पिस्ता बिछा रहे हैं हम लोग को सुनने के लिए किसका लगा रहे हैं आप तो बाहर लगा रहे हैं दीदी का लगा रहे हैं दीदी आ रही है हम कहाँ सोएंगे फिर बाहर घर के बाहर क्या बात है देखिए गाइस हमारा कितना इंतजाम कर रहे हैं सुनने के लिए सुन अच्छी देख सकते हैं बाबू कैसी लग रही हो क्या मेरा है तोड़ दी क्या मेरा बाबू मेरा है ये इसी से पहले मैं ब्लॉग शूट करता था याद है तुम्हें इसी मोबाइल से मैं तुम्हारी देन है तुम्हारा प्यार है कि मैंने ले लेना है तुम कैसी लग रही हो आज कैसी भी लगे लेकिन है तुम तो गाइस हमारा बिया हुआ नहीं कि हमारे बहने का बिया हो रहा है देख सकते हैं आप इतना दुखी बात है मैं रो रहा हूँ गाइस यहाँ मस्ती चल रही थी और बातें हो रही थी यहाँ पे कि हमारा अभी शादी होने वाला है कब होने वाला है तो हम लोग जरूर ब्लॉग में देखेंगे कि जल्द से जल्द होने वाला है तो गाइस हम लोग डांस कर लिए हैं अब डांस करने के बाद अब क्या करेंगे फोटो तो खींचेंगे क्योंकि हमारा ना ब्लॉग एक प्रॉपर की तरफ से मतलब क्या होता है शूट नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे अगर हमारे यूट्यूब की फैमिली कोई होगा ब्लॉग जो शूट करता होगा मुझे कमेंट करेगा अगले मतलब की आने वाली पार्टी में आपको इन्वाइट कर दो मेरा हर तरह से रील्स वगैरह क्योंकि अभी जो है दिखा देंगे किसका दिल बना रहे हैं मुझे पता नहीं है बट जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग देखेंगे ब्लॉग में तो आप लोगों को अगर देखना है ये दिल का क्या फार्मूला है तो आप डीके वंदना
ब्लॉग्स को बिल्कुल जीजा के ब्लॉग पे देखिए आप लोग, और मैं इस दिल का जादू दिखाता हूँ, इस दिल के अंदर क्या है, और इस दिल के अंदर से खून भी निकलता है, ब्लड आप लोगों को दिखाता हूँ। सही में आप लोग डीके मंडला ब्लॉग से फटाफट आइए और सही बताइए निकलता है इस दिल का जादू, देखिए खुद निकलते हैं। हाँ जी The next day. हमारा निकल रहे हैं घर की तरफ और सब लोग वीडियो एडिटिंग में लगे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच, चलते हैं गाइस, बढ़ते हैं तो चलते हैं। पानी तो नहीं दे रहे आप? नहीं बढ़ रहे हैं, चलते हैं। तो चलिए गाइस धीरे धीरे बढ़ते हैं घर की तरफ। तो गाइस चलते हैं नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत जाते छुट्टी कैसे मिलती है, मैं कैसा है मैं जानता हूँ। तो अपना मैं ब्लेजर वगैरह ले लेता हूँ, कहाँ रखा हूँ। अच्छा जी ऐसे भी मुलाकात कर लेते हैं, पढ़ते हैं घर पे। कहाँ? अरे रुको यार, अभी कितना कुछ रह जा रहे हो। हाँ तो लड्डू जाते क्या करोगे? रुको आराम से जाए ना, क्या दिक्कत हुआ? लड्डू बहने जाएंगे तो लड्डू बहन घर आएंगे अब नहीं। तो भाई चल रहे हैं, हम विदा लेते हैं। हमारा तो भेजने का मन नहीं, लेकिन जबरदस्ती भेज रहे हैं, क्या करें, इनको भी अपने काम पे ध्यान देना है। तैयारी हो क्या? बरसाते होते रहे तो हम बढ़ते हैं घर की तरफ। हम रास्ते में कुछ गलत बात, हम आते जाते रहेंगे तुमको छोड़ देंगे। चार घरे में घूम, समझ गया।